हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और आज हम देखेंगे कि जैसे कि सभी को पता होगा कि जेईई मेंस 2020 के जनवरी सेशन के एप्लीकेशन फॉर्म कल से शुरू हुए, और उसके बारे में हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरे। तो चलिए देखेंगे कि बिना देरी के शुरू कर देते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये फॉर्म कल से शुरू है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डेट्स पे और थोड़ा सा शेड्यूल पे भी देखेंगे। पूरा बाकी का डिटेल्स, आपका सिलेबस क्या है, आपका पेपर का होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स है, कितने निगेटिव मार्क्स मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे आपको निगेटिव्स, बाकी की सभी इन्फॉर्मेशन भी उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर और बुलेटिन में है। आप वहाँ जाकर वो पढ़ सकते हो, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी उनके वेबसाइट का भी जो जो भी रिक्वायर्ड लिंक्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए देखेंगे कि जल्दी में थोड़ा सा कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो आपको जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से शुरू हुआ है, तो 3 तारीख से लेकर आपको 30 तारीख तक सभी एप्लीकेशन की स्टेजेस आपको पार करनी, इंक्लूडिंग फीस। तो आपको 3 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर थोड़ा सा पेंडिंग है आपका फीस का इशू, तो आपको 1 तारीख मिलेगी अक्टूबर की, तो आपको 11:50 तक 1 तारीख के पेमेंट की प्रोसेस करनी है। सिर्फ लास्ट स्टेज जो है कि पेमेंट की, बाकी की जो एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेजेस है आपको 30 तारीख तक कंप्लीट करनी है। जनरली आपका एग्ज़ाम होगा 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के बिटवीन में जनवरी के। आपको एग्जैक्ट आपकी डेट और आपका सेशन आपको पता चल जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जैक्टली कब है सेशन, कौन से सेशन में आपका नंबर आएगा और कब आपका एग्जैक्ट डेट आपको एग्जामिनेशन का पता चल जाएगा। और जनरली 31 के आसपास आपका रिजल्ट लग सकता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर देते हैं हमारा मेन जो है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये है उनका वेब पोर्टल, उनकी जो 2-3 वेब डोमेन्स है उनके, वहाँ उनके भी लिंक मैं आपको दे दूंगा यहाँ आने का। उनका 2-3 वेबसाइट से आप यहाँ पे आ सकते हो। तो जनरली ये उनका सिंपल सा वेब ये है इंटरफेस है, तो आप यहाँ पे फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर कर आगे जा सकते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो जाएंगे आगे, जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको वो सिंपल सा है कि आपको 4 स्टेजेस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा करना है। हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरना है, हमें हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और फिर हमें एग्जामिनेशन फ़ी फाइनल स्टेज में कंप्लीट करनी है, और उसके बाद हम हमारा जो है कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके हमारे पास रख सकते हैं। जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है विंडो, ये साइन इन की विंडो है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया तो, और किसी वजह से आपका सेशन ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया, या फिर आपने स्टेजेस में भी एप्लीकेशन आप भर सकते हो, पहले एक स्टेज कंप्लीट किया, बाद में 1-2 दिन में दूसरा भी आप कर सकते हो। तो अगर आप पहला स्टेज आपने कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो फिर आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप यहाँ से साइन इन होकर आगे की जो स्टेजेस है वो कंप्लीट कर सकते हो। तो हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना है, तो फिर हम रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और जाएंगे आगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो पहले ही हमें वो दिखा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के हम स्टेजेस पे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, इमेज अपलोड और फी पेमेंट की जो स्टेजेस है वो आगे आपको दिखाएगा। तो पहली जो इनिशियल स्टेज है उसमें आपको हमें डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, आपको ब्रोशर और बुलेटिन उसे डाउनलोड करना है, पढ़ना है। उसमें सारी जानकारी आपकी जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी होगी, आपका कौन कर भर सकता है, दे सकता है, एडवांस कौन दे सकता है, बाकी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल है। आप वो पढ़ कर जाइए तो आपकी सारी शंकाओं का समाधान वहाँ पे भी हो जाएगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई समाधान शंका है तो पूछिएगा कमेंट्स में, मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। तो यहाँ पर आइएगा लास्ट में, आप वहाँ पर स्क्वायर में टिक कीजिएगा कि आपने वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड भी किया है, रीड भी किया, और आपको उसे समझ में भी वो इंस्ट्रक्शंस आ गए। ये भी सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लो, और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे अगर आपने क्लिक किया तो जाएंगे अगले स्टेज पे। तो ये है उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे हमें आप पूरा नाम वहाँ पे डाल दीजिएगा, आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिएगा, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में जो है वहाँ पे पैन कार्ड है, आधार है, पासपोर्ट है, उसके बाद
बाकी की जो है आपके पास वोटर आईडी तो फिलहाल ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास नहीं होगा, लेकिन रेशन कार्ड जो भी हम आपके पास होगा, आधार तो सभी के पास मुझे लगता है कि होगा, तो जो है आपके पास आइडेंटिटी जो का जो भी डॉक्यूमेंट दिए उसमें से जो है आप वो सेलेक्ट कीजिएगा, उसका नंबर डाल दीजिएगा, आगे जेंडर सेलेक्ट कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट में वो नहीं लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके सिवाय वो नहीं जाएगा आगे। उसके बाद पूरा पूरा आपका एड्रेस डाल दीजिएगा, एड्रेस डालने के बाद आप जाइएगा पासवर्ड चूज़ कीजिएगा। आपका पासवर्ड आपको 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में बनाना है, उसमें एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए अल्फ़ाबेट, एक लोअर केस भी होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए उसमें, और एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ करना होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशन का एक अच्छा सा स्ट्रांग पासवर्ड आप क्रिएट कीजिएगा, और फिर जो है सिक्योरिटी पिन वहाँ पर डालकर सबमिट में आकर आपने क्लिक किया तो फिर आपका ये स्टेज हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन उसके पहले वो आपको पूछेगा कि एक बार आपने जो डेटा भरा है वो आप कंफर्म कीजिए। हर स्टेजेस में यहाँ से आगे जो जाएगा तो हर स्टेजेस में आपको पूछेगा कि आपने जो भरा हुआ डेटा है वो आप चेक कीजिएगा, और फिर जब तक कि आप एग्री इस बटन पे क्लिक नहीं करते तो फाइनल सबमिशन का बटन एक्टिवेट नहीं होगा, और सारा काम ने चेक करने के बाद आई एग्री बोलने के बाद ही वो बटन एक्टिवेट होगा और आप फाइनल सबमिट कर सकते हो। ये फाइनल सबमिट पे आपने क्लिक कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और जाइएगा आगे। तो पहली स्टेज अब हमने पार की है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, वहाँ पे स्टेटस भी आ गया है हमारा, हमारा एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट हो गया है। तो जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट है उसे आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि आपको आगे जब आप लॉगिन के लिए जाओगे तो हमने जो पासवर्ड क्रिएट किया था अभी पिछली विंडो पे 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर के बीच में, तो वो पासवर्ड और ये एप्लीकेशन नंबर ये हम दोनों हमें लगेंगे लॉगिन करने के लिए। तो चलिए हम दूसरा स्टेज हमें आप पार करना है, तो हमें एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। तो जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे, जाएंगे आगे, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कुछ हमने भरा है उसके आगे हमें भरना है। तो यहाँ पे जो जो फील्ड है आपके लिए भरने के लिए तो वो आप भर दीजिएगा, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिएगा। अब स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जहाँ पे आप 12th कर रहे हैं या फिर 10+2 कर रहे हो तो वो जो स्टेट होगा तो वो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी होगा। अगर मैं पढ़ रहा हूँ महाराष्ट्र में और हूँ प्रॉपर मैं अगर गुजरात का, तो फिर भी मैं अगर पढ़ रहा हूँ महाराष्ट्र में कॉलेज में तो फिर मेरा स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी महाराष्ट्र होगा। उसके बाद कैटेगरी आप सेलेक्ट कीजिएगा, कैटेगरी चूज़ करते समय आप देखिएगा वेरियस स्टेट में अगर दूसरी कैटेगरी है तो, अगर जैसे कि महाराष्ट्र की बात अगर हमने की और वहाँ पे NT SBC कैटेगरी है तो वो अगर पर्टिकुलर कैटेगरी सेंट्रल के लिए जो OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में अगर उन कैटेगरी है तो फिर आप वहाँ पे उसके अनुसार चूज़ कीजिएगा, बाकी नहीं तो फिर आपको जनरल चूज़ करना होगा। उसके बाद अप्रोप्रिएट फील्ड आप भरते जाइएगा नीचे, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर आप अप्लाई फॉर्म में जाइएगा, वहाँ पे आप जो भी कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा, और एग्ज़ाम सिटी के जो प्रेफरेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आप दीजिएगा, आप कहाँ का दे सकते, क्वेश्चन पेपर का आप मीडियम चूज़ कीजिएगा और फिर जाइएगा आगे। जैसे हम आगे जाएंगे तो फिर हमें क्वालिफिकेशन वहाँ पे डालना है, 10th आप ऑलरेडी पास हुए होंगे तो वहाँ पे आप भरते समय थोड़ा सा ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि एक बार भरा हुआ डेटा एक बार सबमिट करने के बाद फिर से उसमें कोई सी भी तरीके से अपडेट नहीं हो पाएगा। तो आप पूरा वहाँ पे अच्छी तरह से भर दीजिएगा, वहाँ जो है स्क्रॉल छोटा वाला स्क्रॉल, उस स्क्रॉल को खींचकर आप आगे जाकर पूरा डेटा वहाँ पे देख सकते हैं और भर भी सकते हो। तो यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपका बोर्ड वहाँ पे ध्यानपूर्वक चुनिएगा, सभी बोर्ड का भी वहाँ पे दिया है उन्होंने, आप वो अप्रोप्रिएट डेटा सेलेक्ट कीजिएगा और फिर जाइएगा आगे। तो ये भरने के बाद फिर हमारा अगला सेशन है कि आपका इनकम डिटेल भरना होगा, पेरेंट्स की इनकम डिटेल, वहाँ पे उनका क्वालिफिकेशन डालिए, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम। ये भरने के बाद एक सिक्योरिटी पिन है जो आप चूज़ की डाल दीजिएगा उसे, और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो इतना आसान है, जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे फिर से एक बार वो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, आपने जो भरा है अभी पूरा एप्लीकेशन फॉर्म उसे फिर से वो आपके लिए रिव्यू के लिए आपके पास होगा। एक बार देख लीजिए आपने पूरा डेटा भरा हुआ, एक बार उसे फिर से चेक कीजिएगा आपके मार्कशीट के अनुसार आपने भरा हुआ डेटा पूरा बराबर है ना, और फिर आप जाइएगा फाइनल सबमिशन के लिए। तो जैसे आप वेरीफाई करोगे वहाँ पर पूरा क्लिक क्लिक उनको चेकलिस्ट में आप चेक टिक करते जाएंगे, आई एग्री पे अगर आपने क्लिक किया फिर फाइनल सबमिशन का बटन एनेबल होगा। अगर कुछ रह गए आपसे, कुछ एडिट आपको करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा पे जाकर आप
वो जो आपने गलती की थी उसे सुधार सकते हो, लेकिन यही मौका है गलत डेटा को करेक्ट करने का, क्योंकि इसके बाद आपका कोई भी डेटा करेक्ट होने वाला नहीं। तो एक बार फाइनल सब, अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट हो आपने भरे हुए डेटा पे, तो फिर फाइनल सबमिट में क्लिक कीजिएगा और फिर वो जाएगा आगे। तो चलिए, हमने दूसरी स्टेज भी कंप्लीट कर दी, एप्लीकेशन फॉर्म भी भर दिया, एक हमें हमारा फ़ोटो और उसके बाद पेमेंट के लिए जाना है। तो यहाँ पे है अपलोड इमेज पे आप क्लिक कीजिएगा और जाइएगा आगे। तो आगे जाने के बाद ये सिंपल सा विंडो है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, यहाँ पे जो है चूज फाइल वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके कंप्यूटर पे रखा हुआ आपका जो फ़ोटो है उसे आप यहाँ पे चूज़ कर दिया, वहाँ पर दिखाई देगा अच्छी तरह से। अगर बैठ रहा है तो वो सेलेक्ट से कीजिएगा। सिग्नेचर का भी सेम उसी प्रकार के सिग्नेचर आप स्कैन करके रखिएगा वहाँ पे और उसे आप अपलोड कीजिएगा। जैसे ये दोनों अपलोड हो जाएंगे तो फिर जो आई हैव वेरीफाइड अपलोडेड इमेज केयरफुली है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और फिर सिक्योरिटी पिन डालकर अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे तो फिर आपको एक छोटा सा मैसेज वो दे देगा कि ऑल सेलेक्टेड इमेजेस अपलोडेड सक्सेसफुली, और फिर वहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर जा सकते हो आगे। तो ये सिंपल स्टेज था, हमने कंप्लीट कर दिया है, अब सिर्फ लास्ट स्टेज बचा हुआ है, वो है पेमेंट का। तो ये सब होने के बाद वो हमें दिखाई देगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे आपकी कैटेगरी के हिसाब से और बाकी के जो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको फ़ीस बताएगा, उतनी अभी फ़ीस पेड करनी है। तो 650 आपकी जो भी फ़ीस होगी वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी। पे एग्जामिनेशन फ़ी पे अगर आपने क्लिक किया तो फिर आप जाओगे फीस भरने के लिए। जैसे जाओगे अगले पर हमें ये सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट हमें सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा और फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर आप जाइएगा आगे। जैसे आप आगे जाएंगे तो ये पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको नाम देगा, आपका फ़ीस देगा, कस्टमर आईडी देगा, एप्लीकेशन नंबर देगा और डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे दिखाई देगा और फिर बाकी के जो है पेमेंट प्रोवाइडर का लिस्ट है पूरा वहाँ पे। इन हर एक पेमेंट जो प्रोवाइडर है उनके कितने चार्जेस आपको लगेंगे वो भी आपको इन्फॉर्मेशन बुलेट में, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे पूरी इन्फॉर्म किस पेमेंट गेटवे से या फिर किस पेमेंट प्रोवाइडर से अगर आपने पेमेंट किया तो आपको कितना चार्जेस लगने वाला है वो सब इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले ही दे दी। आपको जो सूटेबल लगेगा उस पेमेंट गेटवे से, उस पेमेंट प्रोवाइडर से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सारे अवेलेबल ऑप्शन है, आप जैसे जाओगे तो इस सारे का मैंने थोड़ा थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके रखा है, इसमें से किसी भी एक पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट के लिए जाइएगा और पेमेंट कंप्लीट कर दीजिएगा। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करोगे, देखिए अगर पेमेंट का अगर हमें नॉट ओके अगर आपको आता है मैसेज कि पेमेंट नॉट ओके, तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट रिफ्यूज़ हुआ है, पेमेंट हुआ नहीं है, तो फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपके बैंक से पैसा गया है तो फिर वो 15 दिन के अंदर आपको रिफंड होगा, और अगर ओके है तो फिर वहाँ पे आपको का मैसेज वहाँ पे आ जाएगा और आपका इसका मतलब आपका पेमेंट हो डाउनलोड जो है कंफर्मेशन पेज वो आ जाएगा, वहाँ से आप कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो। और आपका अभी इस स्टेज पे हमारा पूरा फॉर्म भर के हुआ है जो वहाँ पे है, हम मेल आईडी और मोबाइल नंबर वहाँ पे क्लिक करके आप उनको वेरीफाई करके रखिएगा, तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई करके रखिएगा, वो हमें बाद में काम आएगा। और फिलहाल हमारा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक कर हम कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आपका पेज डाउनलोड हो जाएगा और फिर ये आपके पास आप कन्फर्मेशन एज अ कन्फर्मेशन आप अपने पास रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट्स में, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब आपको दे दूं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कीजिएगा मेरे चैनल सब्सक्राइब, जैसे जैसे जो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट के लिए मैं देने की कोशिश करूँगा। तो रुकते हैं यहाँ पर इस वीडियो में, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।